और पापोलेशन के हाइपोथेटिकल मीन के दरमियान डिफरेंस मालूम करना हो कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है तो हम जी टेस्ट या टी टेस्ट करते हैं अगली स्टेज जो हमारी थी वो ये थी कि अगर दो इंडिपेंडेंट सैंपल हों तो उनके दरमियान अगर डिफरेंस को हमने टेस्ट करना हो तो हम आ, क्या करते हैं उसमें भी जी और टी टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं आ, मैंने इसका डिफरेंस भी आपको बताया था कि जी कहाँ इस्तेमाल करना है और टी कहाँ इस्तेमाल करना है जी वहाँ इस्तेमाल करना है जबकि सैंपल साइज जो है वो थर्टी से ज़्यादा हो और पापुलेशन वेरियंस अन हो और टी कहाँ इस्तेमाल करना है जब सैंपल साइज़ जो है वो थर्टी से कम हो और पापुलेशन और पापुलेशन वेरियंस जो है वो अन हो यानी मेन डिस्टिंगशन जो हम करते हैं वो सैम्पल साइज़ की करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन वेरिएंस दोनों केसेस में हमें अननोन होता है फिर आपको ये बताया कि जी और टी इस्तेमाल करते हुए हमें पहले मीन और फिर स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिविएशन मालूम करनी होती है और सैम्पल साइज़ हमारे पास होता है इसकी मदद से हम एक चीज़ मालूम करते हैं जिसको कि हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन डिफरेंस कहते हैं अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन डिफरेंस जो है तो उसका फार्मूला है अगर सिंगल मीन हो तो वो भी बताया था आपको कि स्टैंडर्डीविएशन डिवाइड बाई अन स्क्र रूट ये स्टैंडर्ड एर ऑफ द मीन है एक मीन की शिकल में और अगर दो हों तो वो भी आपको बताया था कि उसमें आपको यानी स्टैंडर्ड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एक्स वन एंड मीन एक्स टू वो आपको बताया था के स्टैंडर्ड स्टैंडशन वन स्केयर डिवाइडेड बाय सम्पल साइज वन और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डीविएशन टू स्केयर डिवाइडेड बाय एन टू होल अंडर रूट ये उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मेन डिफरेंस होता है और मेन डिफरेंस मालूम करने के लिए हमने ये फार्मूले इस्तेमाल किए जब ये हमें मालूम हो गया तो फिर टी और जी मालूम करना बहुत आसान होता है और उसमें भी आपको फार्मूले बताए थे कि पहले में आप एक्स बार माइनस म्यू कर लेते हैं डिवाइड बाई स्टैंड ऑफ द मीन और दूसरे में हम एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस मे टू एरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन तो इस तरह से आपको टी और जी आ जाती है अब जब टी और जी हमें मालूम हो जाती है तो फिर क्या होता है फिर हमको हम टेबलेटेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं और जब टैबलेट वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं तो फिर देखते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है और टेबलेट वैल्यू क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है यानी टैबलेटेड वैल्यू ज़्यादा है या कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा हो तो नाइप्स इज़ रिजेक्टेड और क्रिटिकल वैल्यू ज़्यादा हो तो न लाइप्स एक्सेप्टेड और फिर अकॉर्डिंगली हम उसका कोई नतीजा या इंटरप्रटेशन करते हैं और हम फैसला करते हैं सिचुएशन में हम क्या रेकमेंडेशंस देंगे कि मार्केटिंग मैनेजर जो है वो क्या फैसला करते हैं अब हम इससे आगे चलते हैं यानी दो मीन्स तक तो हमने ये देखा जी और टी को हम इस्तेमाल करते हैं अब जी और टी की हद दो है या एक मीन के साथ हाईपोथ मीन का कंपैरिजन करते हैं अब अगर रिसर्चर इस बात में इंटरेस्टेड हो कि हम दो से ज्यादा मीन मसलन आपने कहीं टेस्ट मार्केटिंग की और उसमें आपने एक प्रोडक्ट को मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ प्राइसिस पे बेचा और अब आप, आप मालूम करना चाहते हैं कि इस प्राइस पर या इस प्राइस पर या इस प्राइस पर या चौथे प्राइस पर जो हमने डिफरेंट मार्केट्स में इसको बेचा क्या उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया सेल्स में कि नहीं आया या हमने ये जब किया कि हम देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग कंपेन हमने चलाई एक में हमने कलर एड्स दी दूसरे में टी एड्स दी तीसरे में हमने आउटडोर पब्लिसिटी की या पम्फेट से किया हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जो सेल का डिफरेंस है सिग्निफिकेंट है या नहीं या आपने कूपन प्लान किए या सेल्स प्रमोशंस की एक जगह के पे आपने प्राइस प्राइस रखे एक जगह पे आपने कूपन रखे एक जगह पे, पे आपने कुछ थोड़े से रुपीज ऑफ किए डिस्काउंट दिया कहीं पर आपने लकड़ी ड्रा किया अब ये चार प्रमोशन स्कीम्स हैं अब ये मालूम करना चाहते हैं कि इनके जो सेल्स हैं रिजल्टेंटली उनमें क्या फ़र्क पाया तो ये जो है आ, हम मोर दें टू मीन्स में अगर डिफरेंस मालूम करना चाहें तो उस वक्त हम क्या करते हैं जी और टी इस्तेमाल नहीं करते उसमें हम एनालिसिस ऑफ वेरियंट या जिसको हम अनोवा कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं मैं क्विकली रिव्यू करूंगा कि जो हमने पिछले लेक्चर में इसको आ, पढ़ा था कि अनोवा जो है बेसिकली वन वे है या एन वे है वन वे का होता है जब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टेस्ट कर रहे होते हैं और एनवे का होता है जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये याद रहे कि एनोवा आमतौर पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट uh, वेरिएबल होता है आ, एक नहीं होता बल्कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टर भी कहते हैं तो देर मे भी वन फैक्टर देर में मोर फैक्टर्स टू फैक्टर्स और मोर फैक्टर्स तो इफ देर इज वन फैक्टर और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल Although there may be different levels of that uh, factor or different uh, that independent variable, those different levels are called treatments. So there may be more than one treatment of the same factor because they vary in the level, in the magnitude, uh, or in the quantity. Uh, then uh, we have uh, uh, if there is one factor, we will call it one way ANOVA. If there are मोर देन वन फैक्टर्स टू आर मोर वी कॉल दम एन वे अनोवा तो आप एन वे अनोवा भी कर सकते हैं और वन वे अनोवा भी करते हैं पिछले लेक्चर में हमने वन वे अनोवा की बात की थी कि उसको हम मालूम करते हैं और उनको किस तरह से मालूम करते हैं उसको हम मुख्तलफ हमारे पास तरीक़े होते हैं कि हम एक तरफ जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरी तरफ हम डिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल्स जो हैं उनका हम मेट्रिक्स बनाते हैं सेल बनाते हैं और फिर हम उसके सम ऑफ स्केयरस मालूम करके तो हम उसको मालूम करते हैं सम ऑफ स्केयर मालूम करने के लिए डिफरेंट लेवल्स होते हैं आप पहला जो समयर मालूम करते हैं उसको हम कहते हैं सम ऑफ स्केयर टोटल एस एस टोटल उसका तरीका बड़ा सिंपल है सारे ग्रैंड मीन आप मालूम कर लें और ग्रैंड मीन और हर ऑब्जरवेशन जो है उसको अगर हम डिफरेंस करके उसके डिविएशन मालूम करके उसको स्केयर कर दें तो ये टोटल जो होगा ये समय टोटल होगा ये याद रहे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के चूँकि मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं दो तीन चार तो हर एक ग्रुप को हम कैटेगरी सी भी कह सकते हैं सी या ग्रुप और उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं एंड जिनको हम कहते हैं तो अगर सारे एनस को सारी ऑब्जर्वेशन को हम इकट्ठा कर लें तो इसको हम सैम्पल साइज़ एन कहेंगे और यह इसका सिंपल तरीका है कि एन इन टू सी यानी सी को कैटेगरीज को एन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका टोटल सैम्पल साइज़ आ जाएगा और इसका जब हम मीन मालूम करेंगे तो उसको हम ग्रैंड मीन कहेंगे और ग्रैंड मीन मालूम करने के बाद जो हम उसकी डिविएशन मालूम करते हैं डिविएशन मालूम करके स्केयर करते हैं उनको सम करते हैं इसको सम आप स्केयर टोटल कहते हैं और समस्यर टोटल जो है इसको डिकम्पोज हम करते हैं दो किस्म की सम समस्यर्स में उसको हम कहते हैं समस्केयर्स बिटवीन एंड समस्र विद इन और इसका एक टेस्ट है कि अगर हम समस्यर बिटवीन जो हम मालूम करते हैं और समस्क्यर विद इन जो मालूम करते हैं उन दोनों को अगर हम टोटल करें तो समस्केयर टोटल आ जाता है तो इन दोनों को हम कहते है कि हैं कि समस्क्यर को डी करें आप टोटल को विद इन में और बिटवीन में और सम ऑफ स्केर बिटवीन किस तरह से होता है तो ये जो होता है ये आप मालूम करते हैं कि आप उनको जो ग्रैंड टोटल है उसके ग्रैंड टोटल के जो ग्रुप्स टोटल हैं उनका आप मालूम करके डिफरेंस उनको आप स्केयर करते हैं और स्केयर करके उनके टोटल करके इसको समय बिटवीन कहते हैं और समस्यर विद इन जो होता है वो किस तरह से मालूम करते हैं आप ग्रुप का मीन मालूम करें और ग्रुप मीन में से वो जो डिवियशन हैं उनकी एन की उनको लेके तमाम को आप ऐड कर दें तो वो, वो होगा सम ऑफ स्केयर विद इन इसके बाद हम क्या करते हैं कि सम ऑफकेयर बिटवीन और समय विद इन को हम एम एस विदिन या मीन स्यर विद इन और मीन स्केयर बिटवीन जो है उसमें हम तब्दील करते हैं और उसका तरीका ये है कि सम ऑफ केयर बिटवीन सम ऑफ विद इन उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम डिवाइड कर देते हैं समऑफ बिटवीन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सी माइनस वन है और समस्कियर विदिन की जो है वो सी एन माइनस सी है जब ये मालूम कर लेते हैं तो हमारे पास एम बिटवीन और एम एस विदिन आ जाता है एम एस विदिन और एम बिटवीन के साथ एक रेश्यो हम मालूम करते हैं जिसको हम एफ़ रेश्यो कहते हैं एफ़ रेश्यो मालूम करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि एफ़ रेशो इज़ एक टू एम एस बिटवीन और मीन्स केयर बिटवीन डिवाइड बाई मीनस केयर विद इन तो ये कुछ वैल्यू आ जाती है इसको हम एफ रेशो के टेबल में देखते हैं उसकी क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं उसके लिए हमें डिग्री ऑफ़ फ्रीडम चाहिए न्यूमारेटर में और डी नामिनेटर में यानी सी माइनस वन और एन सी माइनस सी जो है वो हमारा रिस्पेक्टिवली न्यूमारीटर और डीनामिनेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसकी मदद से हम वहाँ देखते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू क्या है और हसब मामूल हम क्या करते हैं इन दोनों का कंपेरिजन कर लेते हैं अगर एफ रेशो टेबल में ज़्यादा हो तो ना लाइपाश एक्सेप्टेड और अगर जो एफ रेशो है वो हमारी कैलकुलेट ज़्यादा है तो ना लाइपिस रिजेक्टेड ये हम काफ़ी देर से करते आ रहे हैं कि क्रिटिकल वैल्यू ज़्यादा हो तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ना लाइपिस को कैलकुलेट वैल्यू ज़्यादा हो तो फिर हम उसको रिजेक्ट करते हैं और फिर कोई ना कोई नतीजा निकाल लेते हैं इसकी हमने आपको एग्जाम्पल्स भी करवाएं लेकिन जो एग्जाम्पल्स हमने पहले की उसमें हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड था यानी कि कोई डिफरेंस नहीं था डिफरेंट मीन में अब यहां तो किस्सा खत्म हो गया हमने कहा जी कोई मीन जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट दूसरे से नहीं है लेकिन अगर मीन डिफरेंस सामने यानी कि एफ रेशियो जो है वो इस तरह सी हो कि हम नालाइपिस को रिजेक्ट करें और जो ऑल्टरनेट है उसको हम एक्सेप्ट करें यानी कि एफ रेशियो हमें यह बताया कि देर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स फिर ये किसा यहाँ खत्म नहीं होता फिर हमें कुछ आगे चलाना पड़ता है और हमें मालूम करना पड़ता है कि कहाँ कहाँ डिफरेंस है कौन से पेयर्स में डिफरेंस है कौन सा मीन ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है कौन सा मीन कम है और फिर अल्टीमेटली हम क्या चूज करें एज मैनेजर्स तो उसके लिए अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल से पहले हम मालूम करेंगे क्या डिफरेंस उसमें है सिग्निफिकेंट है कि नहीं है इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे कि कहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है कहाँ पर कम है आइए मैं एक एग्जाम्पल पढ़ता हूँ आपके लिए और इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर आगे इसको देखेंगे कि किस तरह से इसको एक्सटेंड करना है मर्चेंडाइजिंग मैनेजर ऑफ ए वांट्स टू फाइंड आउट वेदर प्रोडक्ट लोकेशन इन द स्टोर प्रोडक्ट लोकेशन द स्टोर के स्टोर के फ्रंट पे है मिडल में है या बैक पे है कि स्टोर में कहा वो चीज रखी हुई है आपको पता है ना स्टोर होते हैं उसमें शेल्फ होते हैं और शेल्फ में हर जो मैन्युफैक्चरर है अपनी जो उसको वहां अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस होती है उसके मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है प्रोडक्ट को रखता है तो उसमें यह मालूम करना चाहते हैं ये लोग कि फ्रंट मिडर और बैक में अगर हम टॉयज़ को रखें तो उस पर सेल्स का क्या असर पड़ता है ना इन दिस प्राइस स्टोर साइज एंड डिस्प्ले एरिया फॉर द प्रोडक्ट इज़ कॉन्स्टेंट फॉल और स्टोर उसी स्टोर साइज के सारे जो है एक्सपेरिमेंट किया गया स्टोरस का साइज़ एक था प्राइस एक रखी गई और डिस्प्ले एरिया एक जैसा रखा गया सिर्फ वेरी किया, किया गया उसकी लोकेशन फ्रंट पर मेडल में या बैक पर फिर क्या हुआ आफ्टर वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पीरियड द वॉल्यूम ऑफ लोकेशन इन द स्टोर वाज नोटेड विच इज गिवन इन हंड्रेड ऑफ रुपीज इन दिस टेबल ये जो है डेटा उससे हमें मिला कि जो स्टोर हमने सिलेक्ट किए उसमें से प्राइस किस तरह से हुई जो स्टोर हमने फ्रंट में रखने के लिए सिलेक्ट किया यानी छह स्टोर थे स्टोर वन में 86 टू में 72 थ्री में 54 फोर में 62 फाइव में 50 और सिक्स में 40 ये क्या चीज है हंड्रेड्स ऑफ रुपीस 8600 7200 5400 6200 5000 और 4000 ये उसकी सेल हुई उन स्टोर्स में जहाँ पर के लोकेशन फ्रंट पे थे, वो स्टोर्स जिनमें लोकेशन मिडल में थी स्टोर वन में फोटी सिक्स हंड्रेड टू में सिक्सटी हंड्रेड थ्री में फोटी हंड्रेड फोर में ट्वेंटी एट हंड्रेड फाइव में ट्वेंटी टू हंड्रेड और सिक्स में ट्वेंटी एट हंड्रेड ये सेल्स थी उन छः स्टोर्स पर जहाँ पर के मिडल में लोकेशन मिली और उन स्टोर में जहाँ पर लोकेशन बैक में मिली और वो छह स्टोर थे वो भी दूसरों की तरह उसमें सेल क्या थी पहले में थर्टी थ्री हंड्रेड दूसरे में ट्वेंटी फोर हंड्रेड तीसरे में ट्वेंटी हंड्रेड चौथे में 1400, हंड्रेड में एटीन हंड्रेड और छठे में सिक्सटीन हंड्रेड अब ये यूनिट हंड्रेड का रखा गया है थाउजेंड्स का भी रखा जा सकता था लेकिन चूंकि ये एक एक्चुअल रिसर्च हुई थी इसलिए इस तरह से उसको राउंड लिए हमने हंड्रेड का यूनिटी इसमें सेलेक्ट किया हालांकि इसको थाउजेंड्स uh, में भी पढ़ा जा सकता है थर्टी थ्री हंड्रेड को हम कह सकते हैं थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर हंड्रेड लेकिन हमने हंड्रेड में पढ़ा अब ये डेटा हमारे पास आया पहले तो हमने ये मालूम करना है कि क्या मीन्स में कोई डिफरेंस है कि नहीं है कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है अगर इंडिकेट होगा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो फिर इसको आगे हम एक्सटेंड करेंगे वरना इसको वहीं पर ना को एक्सेप्ट करके खत्म कर दें अब पहला काम हम क्या करते हैं इनके मीन लेते हैं ग्रुप मीन्स तो इस डेटा के मुताबिक जो पहला ग्रुप मीन है वो 60.67 है जो दूसरा मीन है मीन एक्स बॉट टू वो थर्टी है और जो तीसरा मीन है एक्स बॉट थ्री वो 20.83 है यानी x बार 1 60.67 x बार 2 इज 37.3 एंड x बार 3 इज इक्वल टू 20.83 लेकिन अनोवा में हम क्या करते हैं ग्रैंड मीन भी मालूम करते हैं इन सारे यानी जो हमारे पास इस वक्त 18 ऑब्जर्वेशन है इन सब का एक मीन मिलेंगे एंड दैट कम्स टू बी 39.61 तो ये मीन हमने मालूम कर लिए अब हम क्या करेंगे आगे चलेंगे पहला हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से हमारे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके कितने लेवल हैं तीन लेवल हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या हमारा ये फैक्टर क्या है लोकेशन लेवल कितने हैं तीन फ्रंट मिडल और बैक और अब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेल्स है और कैटेगरीज कितनी है तीन और जो हमारा एन बनेगा चूंकि एक में एन जो है वो सिक्स है तो टोटल एन जो है हमारा सिक्स इन टू थ्री इज इक्वल टू एटीन मीन हमने मालूम कर लिया और अब हमारा नालाइपिस क्या है कि मीन वन इज इक्वल टू तो मीन टू इज इक्वल टू मीन थ्री या सिंबोलिकली सिम्बल्स में हम क्या कहेंगे इच नॉट क्या है म्यू वन इज इक्वल टू तो म्यू टू तो इज इक्वल टू तो म्यू थ्री पॉपुलेशन मीन को हमें हम उसे ताबीर करते हैं उससे डिनोट करते हैं तो ये हमारा नालाइपिस है और ऑल्टरनेट क्या है ऑल्टरनेट ये है कि ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल यानी तीनों मीन्स जो हैं ये बराबर नहीं है और रिक्वायर्ड क्या है हमने मालूम क्या करना है कि क्या इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है और कौन सी लिक्वेशन जो है वो बेस्ट है जिसको हम सिलेक्ट करें अपने टॉयज की डिस्प्ले के लिए अब हमने वन वे अनोवा मालूम करना है और वन वे ोवा के लिए सबसे पहला क्या काम करते हैं एस एस टोटल सम ऑफ स्केयर टोटल मालूम करते हैं और ये किस तरह से कंप्यूट करते हैं हम इसको हम हर स्कोर या ऑब्जर्वेशन का ग्रैंड मीन से डिविएशन लेके उसको स्केयर करते हैं एंड देन वी सम अप ऑल द स्केयर ऑफ द डिविएशन। दैट इज स्करिंग द डिविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्रैंड मीन एंड सम दम अप यह हमारा सम ऑफ स्केयरस टोटल होता है और इस केस में हम क्या करेंगे एस एस टोटल इज इक्वल टू हमारा ग्रैंड मीन कितना है थर्टी नाइन पॉइंटेशन एक्स है एटी सिक्स माइनस थर्टी नाइन सिक्स वन स्केयर प्लस सेवनटी टू माइनस थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स वन स्केर प्लस फिफ्टी फोर माइनस थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स वन स्केयर इसी तरह से ग्रुप टू में हम ऑब्जर्वेशन को लेके उसका ग्रैंड मीन दैट इज 39.61 नाइन स्केयर लेके तमाम जो स्केयर हमने किए हैं उनको हम सम अप कर देंगे यानी पहली ऑब्जर्वेशन है हमारी 86 फिर 72 फिर 54 62 50 40 46 फोर्टी 40 सिक्स सिक्सटी फोर्टी ट्वेंटी एट ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एंड फोर्टीन और एटीन ये हमारे सारे जो हैं ऑब्जर्वेशन हैं इन सब को हम थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स वन से जो है उसका डिविएशन मालूम करेंगे सबका स्केयर मालूम करेंगे और इनको हम अप करेंगे और जब हम इनको एड अप करेंगे तो आंसर जो आता है वो आता है, है 7406.28 थाउजेंड फोर जीरो सिक्स पॉइंट ट्वेंटी एट ये हमारा है एस एस टोटल सम ऑफ स्केयर टोटल इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है नेक्स्ट स्टेप है एस एस बिटवीन सम ऑफ स्क्र बिटवीन एंड एस एस दो काम हमने करने हैं फिर आगे हम चलेंगे तो हाउ डू वी अपटेन एस एस विद इन किस तरह से हम मालूम करते हैं बाय स्क्रिंग द डिविएशन ऑफ ईच स्कोर और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स ग्रुप्ड मीन एंड समिंग द्रुप मीन ले लें वो हमने पहले लिया हुआ है हर एक का एक का सिक्सटी पॉइंट सिक्स सेवन है एक का थर्टी सेवन पॉइंट थ्री है और दूसरे का ट्वेंटी पॉइंट एट थ्री है ये हमने पहले मालूम कर लिया ग्रैंड मीन मालूम किया था थर्टी नाइन पॉइंट फाइव फाइव लेकिन वो हमने उसकी कैलकुलेशन कर ली अब हर ग्रुप का मीन हमारे पास है हर ग्रुप के मीन से उसकी ऑब्जर्वेशन का डिविएशन मालूम करें उनको स्केयर करें और इन सारे स्केयर स्को एडअप कर दें दैट विल बी सम ऑफ स्केयर एस एस विदिन और जब हम कैलकुलेशन पे आते हैं तो फिर किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं पहला मीन हमारा है. तो जो इसके ऑब्जर है वो हम इसमें से डिविएशन करते हैं यानी कि पहली क्या होगी एटी सिक्स माइनस सिक्स सेवन स्केवेंटी टू माइनस सिक्सटी पॉइंट सिक्स सेवन स्केर प्लस फिफ्टी फोर माइनस सिक्स सेवन स्के इसी तरह से छह छऑब्जर् पूरे अगला आप ग्रुप मीन लें, दूसरा उसका क्या है उसका सेवन थ्री। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है 46। तो हम इसको कैसे मालूम करेंगे प्लस 46 सेवन थ्री प्लस ये ग्रुप भी पूरा हो गया आप तीसरे ग्रुप में आइए उसका मीन क्या निकाला था आपने 20.83 और उसकी पहली ऑब्जर्वेशन ले लें 33 20.83 स्क्वायर प्लस दूसरी ऑब्जर्वेशन 24 माइनस 20.83 स्क्वायर एंड इस तरह से 16 तक चलते जाएं सब डिवीेशंस का स्क्वायर आपने मालूम किया इसको सम अप किया तो जो आंसर आ रहा है वो आता है 2599.51 और इसको हम क्या कहेंगे एस एस विद इन तो पहले क्या किया एस एस टोटल अब हमने क्या एस एस विद इन अब तीसरा क्या स्टेप हमने लेना है वह है एस एस बिटवीन एस एस बिटवीन इज ऑपन बाई व डिविएशन ऑफ इच ग्रुप मीन फ्रॉम द ग्रैंड मीन ग्रैंड मीन और ग्रुप मीन की डिविएशन को स्केयर करें और उनको सम अप कर दें तो यानी उससे ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके ऑब्जर्वेशन सिक्स है तो आप पहले ग्रैंड मीन और पहले ग्रुप का डिफरेंस देखें उसको स्केयर कर दें और सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें सिक्स हमारी ऑब्जर्वेशन हैं फिर ग्रैंड मीन और सेकेंड ग्रुप मीन का डिफरेंस ले लें उसको स्केयर कर दें और उसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और तीसरे मीन और ग्रैंड मीन का डिफरेंस ले लें उसको स्केयर कर दें और सिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरह से इनका जो है टोटल कर लें जब इसको आप टोटल करते हैं तो जो आंसर आता है 4809.29 तो इस तरह से हम एस एस बिटवीन भी मालूम कर अब एस एस बिटवीन भी आ गया एस एस विद इन भी आ गया अब क्या है अब आपने ये करना है कि इन की मदद से आपने मीन स्यर मालूम करना है मीन केयर बिटवीन एंड मीन केयर विद इन मीन स्यर बिटवीन कैसे मालूम करते हैं एस एस बिटवीन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज सी माइनस One. तो एस एस बिटवीन को आप सी माइनस वन ये दो पर तकसीम कर दें तो ये तकरीबन आ जाता है हमारे पास फोर तो ये आपने एम एस बिटवीन मालूम किया अब आपने क्या करना है एम एस इन और एम एस इन कैसे मालूम करते हैं हम एस एस इन डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम सी एन माइनस सी एम एस

173.3 अब हमारे पास एम एस बिटवीन भी आ गया एम एस भी आ गया अब आप बताइए आगे क्या करना है हमने आगे हमने अब एफ रेशो मालूम करनी है और एफ रेशो बड़ी सिंपल है मालूम करनी क्या है एम एस बिटवीन डिवाइडेड बाय एम एस और हमारा डाटा क्या कहता है 173.3 टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर पॉइंट इन आवर एफ रेशो अब आगे काम आसान है आगे क्या करना है हमने इस एफ रेशो को कंपेयर करना है एफ रेशो के टेबल से और ये टेबल हमें देखना है पॉइंट ओ फाइव लेवल पर और इसके लिए हमें क्या चाहिए दो चीज़ें चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इन न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ़ फ्रीडम इन डिनोमिनेटर ये दो चीज़ें चाहिए और फिर पॉइंट ओ फाइव के टेबल में जब हम इसको देखेंगे वैल्यू को तो फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं आइए देखते हैं कि अब इसमें कितना हमारे पास रेशो आता है जो हमने निकाला है उससे हम कंपेयर करेंगे और फिर कुछ नतीजा निकालेंगे आप एफ रेशो मालूम करने के लिए एफ टेबल पे जाना है और वहां पर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर में और डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनिनेटर में हमें चाहिए अब न्यूमरेटर में कितना होता है सी माइनस वन और डिनोमिनेटर में क्या होता है सी एन माइनस सी तो सी माइनस वन इज इक्वल टू टू एंड डिनोमिनेटर में सी एन माइनस सी इज इक्वल टू फिफ्टीन तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू एंड फिफ्टीन पे हम एफ रेशो मालूम करेंगे कि वहाँ टेबल में क्या है तो वैल्यू ऑफ एफ रेशो ऑन दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3.68 पॉइंट ओ फाइव लेवल आपने क्या कैलकुलेटर निकाला है थर्टीन पॉइंट एट एट अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आप देख लीजिए कौन सी वैल्यू ज्यादा है जहा कैलकुलेटर वैल्यू ज्यादा है काफी ज्यादा है थर्टीन पॉइंट एट एट ग्रेटर देन थ्री पॉइंट सिक्स एट फॉर नल हाइपोसिस इज रिजेक्टेड हम नल हाइपा को रिजेक्ट करेंगे और क्या था आपका नल हाइपोस मे वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री के तीनों म्यू जो है वो बराबर हैं तीनों जो मीन्स हैं वो बराबर है उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं जो आपने अब रिजेक्ट कर दिया इसका क्या मतलब हैविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस द एवरेज सेल अमांग द वेरियस प्रोडक्ट लोकेशन इन द स्टोर के जो फ्रंट पे रखी जाती है मिडल में और बैक में जो रखी जाती है प्रोडक्ट उनकी प्लेस की वजह से उनके एवरेज सेल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है अब तो बात खत्म नहीं हुआ में इसको आगे एक्सटेंड करना है कि मालूम यह करना है कि सबसे जो है वो सिग्निफिकेंट मीन कौन सा है और फिर क्या इन डिफरेंट मीन्स में आपस में इनका कैसे कंपेरिजन है इसको हम कहते हैं मल्टीपल कंपेरिजन इफ वन वे अनोवा कैलकुलेशन सजेस्ट दैट नॉल आई शुड बी रिजेक्टेड देन वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स आई मीन मीन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और पेयर्स और लेवल्स एंड विच वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव ना Because there are significant differences between the means, now we have to pair them and then we have to find out that what is uh, the, the significance of difference between different paired means. Now, for this, many procedures are available. Statistics make kai procedures. हमारे majud procedure jo jaha karenge or discuss karenge चूकी और क्रैमर ने इस्तेमाल किया था जिसको मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स कहते हैं इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है टू डिटर्मन कि कौन सा जो कैटेगरी मीन्स है या ग्रुप मीन्स है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है अदर से दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट हॉक कम्पेरिजन पोस्ट हॉक कंपेरिजन हम इसको क्यों कहते हैं क्योंकि एक हमने नतीजा निकाला अब इस टेस्ट के बाद एक नया में हाइपोथेसिस बनाना है फार्मूलेट करना है और फिर हम इसको दोबारा टेस्ट करेंगे इसको रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे या वट एवर तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट हॉक एग्जामिनेशन इन विच वी विल डिटर्मन द डिफ्रेंस बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑलरेडी टेस्टेड इन मोर देन वन मीन इन आवर वन वे एनोवा और इन आवर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इस प्रोसीजर में हम तमाम जो ग्रुप्स बनते हैं जो पेयर्स हैं उसको एग्जामिन करते हैं और इसमें स्टेप क्या है हमारे इस यानी पोस्ट हॉक कंपैरिजन को मालूम करने के लिए हम क्या स्टेप करते हैं स्टेप नंबर वन कंप्यूट द डिफरेंसेस अमंग ऑल देयर्स ऑफ मीन्स पेयर्स ऑफ मीन्स हैं कितने हैं आपके पास इसको कैसे मालूम करते हैं हम कितने पेयर्स हैं इसको हम मालूम करते हैं सी इंटू सी माइनस वन डिवाइड बाई टू सी सी माइनस वन डिवाइड बाई टू टोटल कैटेगरीज इन टू टोटल कैटेगरीज माइनस वन डिवाइड बाई टू तो ये आपके टोटल पेयर्स बनेंगे और आप इन सब के डिफरेंसेस मालूम करें डिफरेंसेस कि कितने हैं कितने वो हैं। जो आपने मालूम किया ना पहले मेन मालूम किए थे आपने शुरू शुरू में उनके डिफरेंसेस मालूम करें कि मीन वन और मीन टू का डिफरेंस कितना है मीन टू और मीन थ्री का कितना डिफरेंस है और मीन वन और थ्री का कितना डिफरेंस है और अगर ज़्यादा हो तो इसी तरह से सारे पेयर बन जाएंगे और उनका डिफरेंस आपने मालूम करना है पहला काम ये करना है कंप्यूट द डिफरेंस अमंग द पेयर्स ऑफ द मीन एंड द पेयर्स और सी इंटू सी माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फिर आप टेन क्रिटिकल रेंज क्रिटिकल रेंज आपने मालूम करनी है और उसका फार्मूला क्या है वो है क्रिटिकल रेंज इज दैट इज मीन स्केयर विद इन डिवाइड बाई टू इन टू वन ओवर एन वन प्लस एन टू होल अंडर रूट इन टू क्यू यू अब क्रिटिकल रेंज मालूम करने का एक ख्याल ये रखिएगा अगर तो तमाम ग्रुप्स का सैम्पल साइज एक है एंड इज द सेम सैंपल साइज इज द सेम विच इज द केस इन आर केस हमारे क्या था तीन ग्रुप थे और तीनों का जो सैम्पल साइज़ था छः था तो उस सूरत में हमें एक ही क्रिटिकल रेंज जो मालूम होती है वो काफ़ी है लेकिन अगर आपके सैम्पल साइज़ डिफरेंट हों तो फिर ये फार्मूला जो है वो तमाम में अप्लाई करके आप सबकी क्रिटिकल रेंज मालूम कर सकते हैं एन वन एन टू एन थ्री एन फोर लेकिन चूंकि हमारे पास एक ही है इसलिए हमारी क्रिटिकल रेंज एक ही रहेगी फिर जो हमारे पास पेयर ऑफ मीन्स है जो हमने मीन डिफरेंस पहले स्टेप में मालूम किया है उसको क्रिटिकल रेंज से कंपेयर करते हैं वी कंपेयर ईच ऑफ द पेयर मीन विद द कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल रेंज अब दोनों का आप कंपैरिजन कर लें और अगर तो क्रिटिकल रेंज ज़्यादा है तो फिर डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है यानी कि अगर एप्सल्यू डिफरेंस सैम्पल मीन्स का क्रिटिकल रेंज से ज्यादा है फिर सुन लीजिए अगर एप्सल्यू डिफरेंस जो पेयर्स में है या सैम्पल मीन्स में है इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल रेंज देन दिस पेयर इज कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट अदरवाइज नॉट यानी कि क्रिटिकल रेंज ज्यादा होगी तो फिर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इस पेयर में और अगर डिफरेंस ऑफ मीन ज़्यादा होगा तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है यानी हम यहां क्या कर रहे हैं हम यहां पर उसको क्रिटिकल रेंज को कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द मीन्स के हर पेयर का तो इस तरह से जो डिफरेंस नज़र आएगा वो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि अगर तो मीन डिफरेंस ज़्यादा है क्रिटिकल रेंज से तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है अगर कम है तो फिर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है आइए हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ वापस चलते हैं कि जो हमने अभी किया है उसकी क्या सूरत हाल बनती है क्या हम इसको कह सकते हैं कि इनमें डिफरेंसेस हैं पेयर्स में, है, में कि नहीं है हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे हमने जो अभी एग्जाम्पल की है हमारे पास तीन लोकेशन थी मिडल फ्रंट और बैक यानी कैटेगरीज हमारी कितनी थी तीन जो हमने प्रोडक्ट लोकेशन का एग्जाम्पल किया है उसमें तीन कैटेगरीज हैं फ्रंट मिडल और बैक सी इज इक्वल टू थ्री और हमारे पेयर कितने बनेंगे अब पेयर किस तरह से बताया थे आपको सी सी माइनस वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज थ्री इंटू टू टू इज इक्वल टू थ्री तो हमारे पास थ्री पेयर्स बनते हैं और इसके जो रिस्पेक्टिव मीन्स हैं वो हमने पहले मालूम किए हुए हैं जो हमने वर्क किए थे उसमें पहला मीन एक्स बार वन कितना था सिक्सटी पॉइंट सिक्स सेवन एक्स बार टू कितना था 37.3 और x बार थ्री कितना था 20.83 पहला स्टेप हमारी तीन कैटेगरीज बनी फार्मूले से सी सी माइनस वन डिबाइट बट टू दूसरा स्टेप हमने वो मीन लिए फिर तीसरा स्टेप क्या है इनके डिफरेंसेस मालूम कीजिए तीन ग्रुप हैं हमारे पास तीन पेयर हैं कौन कौन से बना एक्स बार वन और एक्स बार टू पहला मीन और दूसरा मीन दूसरी के हमारे पास पेयर कौन सा है एक्स बार वन और एक्स बार थ्री पहला मीन और तीसरा मीन तीसरी हमारे पास कौन सा पेयर है या तीसरा कौन सा ग्रुप है वो है एक्स बार टू और एक्स बार थ्री दूसरा मीन और तीसरा मीन पहला और तीसरा पहला और दूसरा और दूसरा और तीसरा तीन हमारे पास पेयर बनते हैं इनके डिफरेंसेस आप मालूम कर लीजिए आइए देखते हैं क्या है कि एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू इज इक्वल टू सिक्सटी पॉइंट सिक्स सेवन माइनस थर्टी सेवन पॉइंट थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री सेवन पहला जो हमने पेयर बनाया उसका जो डिफरेंस लिया वो ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री सेवन है दूसरा पेयर लीजिए वो है एक्स बार वन माइनस एक्स बार थ्री पहला मीन और तीसरा मीन उसकी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनता है 60.67 पॉइंट 20.83 थ्री 39.84. तो so, दूसरा डिफरेंस जो है वो थर्टी नाइन okay. तीसरा पेयर हमारा क्या बनता है एक्स बार टू और एक्स बार थ्री दूसरा मीन और तीसरा मीन और इसकी वैल्यू आप डालिए 37.3 सेवन माइनस दैट कम्स टू बी 16.47. अब ये तीन डिफरेंसेस हमारे पेयर्स में उनके मीन्स में पता चल गया ट्वेंटी थ्री पॉइंट कीजिए के लिए फार्मूला था लेकिन उसके लिए हम उससे पहले क्या मालूम करना है उसको मालूम करना है हमने क्यू यू एक और टेबल से मालूम होता है इसे कहते हैं सी यानी कि क्रिटिकल ये रेंज होती है इसमें भी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम होता है इसमें हमारा थ्री और फिफ्टीन और ये भी एक टेबल आपको मिलेगा जो कि ओ फाइव लेवल का आपको टेबल देखना है और इसमें वैल्यू देखनी है कि जब न्यूमरेटर में थ्री और डिनोमिनेटर में फिफ्टीन डिग्री ऑफ़ फ्रीडम हो ओ फाइव लेवल पर इसकी क्या वैल्यू है ये हमने उस टेबल से देखना है क्योंकि ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं इसी डिग्री ऑफ़ फ्रीडम से हम देखेंगे और यहाँ जब हम जाते हैं तो उसकी वैल्यू थ्री पॉइंट सिक्स सेवन में मिलती है ये टेबल भी आपकी किताबों में मौजूद होगा तो पहले तो आप ये इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्यू यू मालूम कीजिए दैट इज़ द अपर यू नोल क्रिटिकल वैल्यू ऑफ़ क्यू यू इज़ थ्री पॉइंट सिक्स सेवन आप इसको क्रिटिकल रेंज वाले फार्मूले में डाल दीजिए वो फार्मूला आपको बताया है। आप ये ऐसे करेंगे हम क्या करेंगे एम एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू इंटू वन डिवाइड बाई एन वन प्लस वन डिवाइड बाई एन टू होल अंडर रूट क्यू यू तो इसको आप मालूम कर लीजिए ये 19.63 ये आपकी क्रिटिकल रेंज है 19.63 अब हमें कितनी क्रिटिकल रेंज चाहिए एक ही चाहिए क्यों एक क्योंकि हमारा सैंपल साइज हर कैटेगरी में एक है अगर

मेन डिफरेंस बिटवीन देयर्स जो आपने पहले ही मालूम कर लिया है उसको आप कंपेयर कर लीजिए अगर तो पेयर्स में डिफरेंस जो मेन का है वो ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है पेयर्स में वो कम है तो फिर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है अब ये याद रखिए कि आपकी क्रिकेट रेंज कितनी आई है 19.63 इसको आपने कंपेयर करना कंपेरिजन के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा एप्सोल्यूट वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी जो डिफरेंसेस थी याद है आपको एक्स बार वन और एक्स बार टू का डिफरेंस कितना था दैट वाज 23.37 और जो एक्स बार वन और एक्स बार थ्री का जो डिफरेंस था वो कितना था 39.84 और एक्स बार टू और एक्स बार थ्री का कितना था वो 16.47 यानी 23.37, 39.84 पॉइंट थ्री एंड सिक्सटीन तो ये उनके एब्सोल्यूट डिफरेंसेज हैं इनको हम क्रिटिकल रेंज से कंपेयर करते हैं सो द क्रिटिकल रेंज इज 19.63 पॉइंट सिक्स थ्री एंड व्हेन वी कंपेयर दीज एब्सोल्यूट डिफरेंसेज बिटवीन डिफरेंट पेयर्स ऑफ मीन विद क्रिटिकल रेंज वी फाइन दैट ट्वेंटी इज ग्रेटर दैन नाइनटीन एंड 39.84 इज ग्रेटर दैन but 16.47 is lesser than 19.63 then what is the conclusion we therefore conclude that the difference between the first mean and the second mean is significant and difference between the first mean and the third mean is also significant but the difference between the second mean and the third mean is not significant that is

वन था जो मीन वन था विच वॉज सिक्सटीन पॉइंट सिक्स दैट वॉज द हाइस्ट और चूंकि तीनों में डिफरेंस है हर पेयर में डिफरेंस है इसलिए जो वन है एक्स बार वन वो हर पेयर में उससे बड़ा है विच वुड मीन दैट एक्स बार वन दैट इज द फ्रंट लोकेशन इज प्रोड्यूसिंग द मैक्सिम सेल्स एंड द मर्चेंडाइजिंग मैनेजर ऑफ द टॉय कंपनी शुड इंसिस्ट ऑन प्लेसिंग द प्रोडक्ट ऑन द फ्रंट लोकेशन ऑफ द स्टोर एज दिस इज द हाइस्ट एवरेज सेल ऑन दिस लोकेशन तो ये हमारी रिकमेंडेशन होगी और ये हमारा कंक्लूजन होगा अब आज हमने क्या पढ़ा आज हमने ये देखा कि अगर हमारा अनालिस ऑफ वेरियंट ये हमें बताता है कि देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मेन्स

हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम ये मालूम करेंगे कि किस को हम रिकमेंड करें ताकि हम बेस्ट डिसीजन कर सकेंगे और उसके लिए हमने क्या किया उसके लिए हमने क्रिटिकल रेंज मालूम की उसके लिए हमने जो है वो फार्मूला लगाया फिर हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस जो था आ, उसका किया क्रिटिकल रेंज से कंपेयर किया और क्रिटिकल रेंज कंपेयर करने के बाद हमने क्या किया हमने उसको कंक्लूड किया के कौन सा जो है वो पेयर एक दूसरे से सिग्निफिकेंट डिफरेंस रखता है या नहीं रखता है और अगर सारे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से तो फिर कौन सा जो है मीन या कौन सी लोकेशन या कौन सा फैक्टर या कौन सी ट्रीटमेंट हम इस्तेमाल करें अपने इस मार्केटिंग में कि हम मैक्सिमम इसको हम यूटिलाइज़ कर सकें और हमें उसका रिवॉर्ड या प्रॉफिट या सेल्स वट एवर वी आर इन्वेस्टिगेटिंग वो हमें मैक्सिमम आए और इस तरह से रिसर्च जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट को मार्केटिंग स्ट्रेटी को सपोर्ट करती है कि डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करके जो इंटरप्रेट करके जो नतीजा निकालती है मार्केटिंग मैनेजर उसको इस्तेमाल करते हुए अपने फैसले करता है तो डेटा अनालस हमने पढ़ा अनुभव हमने पढ़ा, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा नेक्स्ट लेक्चर में इन मिलेंगे तब तक अल्लाह हाफिज